हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बट गई है। कट्टरपंथ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इसी पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन से वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने एक्सक्लूसिव बात की है। तस्लीमा ने कहा है कि इस्लाम में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है, नहीं तो इस्लाम का भविष्य अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपांग। 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 3 लोगों की हत्या हुई। इससे कुछ दिनों पहले पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की हत्या हुई। वो अपने छात्रों को प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून दिखा रहे थे। इसी के साथ ही दुनिया भर में आज चर्चा है, बहस है और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं दोनों तरफ से, धार्मिक आजादी के मुद्दे पर, बोलने की आजादी के मुद्दे पर, इस्लामिक कट्टरपंथ पर और इस्लामी आतंकवाद पर। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन और 25 साल से वो खुद निर्वासित हैं। तस्लीमा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं और मैं दर्शकों को यहां बता दूं कि उनसे ये बातचीत हो चुकी है कि वो पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हैं हिंदी में। जब तक वो हिंदी में अपनी बात रख पाएंगी हिंदी में रखेंगी, वरना चूंकि मुद्दा पेचीदा है, गंभीर है, वो अंग्रेजी में भी अपनी बात रखेंगी। तस्लीमा जी, ये जब आपको खबर पता चली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? देखिए, फ्रांस में तो बहुत टेररिस्ट अटैक हुआ, तो फेयर अटैक हुआ, मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि फ्रांस एक टेररिस्ट को कंट्रोल करेगा यही प्रॉमिस किया। सो व्हाट कैन वी से, यू नो, स्टिल वी हैव 7 सेंचुरीज लॉज, स्टिल वी हैव दोस, यू नो, द द द ऑल द रिचुअल्स एंड और द ऑल द और द बिलीव्स दैट 1400 इयर्स अगो पीपल बिलीव इन इन मक्का मदीना। बट आई थिंक दैट Islam should be reformed, laws should be changed, and the indoctrination of children, you know, should be stopped. So because आप ये एक बड़ी बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कि इस्लाम में सुधार होना चाहिए, इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत रिफॉर्म, because other religions to reformed hua, they, you know, koi religion is bahut religion to violence ka baat kiya, Christianity to bahut violence ka baat kiya, you know, the during the Middle Ages so many critics of Christian faith were killed, you know, they had inquisition and the church the people killed so many people, whoever, you know, had doubt about Christian faith. But now they changed. Now they secularized their society. Secularized. When I say secularized, it means that non-religious. Yes. Religion aur state ko alag kar diya. Ye bahut zaruri hai. Aapka jo law hai, wo religion ka based nahi hona chahiye. Wo equality based hona chahiye. But in Muslim countries, still we have 7 centuries laws. Still we have Sharia laws, which should be gone. No, the equality basis, men women equality basis, human rights rahega, women's rights rahega, free speech rahega, democracy rahega. Aise hona chahiye. But the problem is that Islam is not reformed. इसमें एक जो समस्या देखी जा रही है कि बांग्लादेश की अगर बात करें, जो आपका देश है, कि जो भी रिफॉर्म की बात करते हैं, यानी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, तो फिर ये काम कौन करेगा, किसमें इतनी हिम्मत होगी जो ये करेगा? देखिए, ब्लॉगर का बारे में आप बात करते हैं, 26 years ago, I was, you know, forced to leave my country. मेरा government तो अभी तक मेरे को enter करने का नहीं देता है। हाँ, ये 26 साल हो गया, तो क्यों?
because I was critical of Islam. You know, we are allowed to be critical of all other religions, but not Islam. इसमें आपने बात की freedom of speech की, तो freedom of speech को आप कहाँ तक ले जाती हैं? क्या freedom of speech में ये निहित है, ये हो सकता है कि आप किसी के धर्म को चोट पहुंचाएं, किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएं? ये बड़ा एक पेचीदा मामला, एक डिफिकल्ट मामला आ जाता है कि साहब मेरी भावना को आपने चोट पहुंचा दी. हालांकि भावना तो बार बार यहाँ पे चोट पहुंचती रहती है लोगों को. तो व्हाट, अब आपका जो भावना है वो तो चोट मिलता है तो एवरी डे हजारों भावना है, हजारों फीलिंग्स है, हजारों सेंटिमेंट्स है. All the time they get hurt, but we can cope with that. Because, but how come the religious people demand that their religious sentiments never should be hurt? ये तो बहुत ये demand तो सही नहीं है, क्योंकि freedom of expression चाहो तो religious sentiment को तो hurt होना ही पड़ेगा. और आप देखो तो ये जे other religions, their critical scrutiny था. बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ रिलीजियस पीपल को, इसीलिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद नहीं हुआ. वो सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड हुआ, वो सोसाइटी सिविलाइज्ड हुआ क्यों विदाउट क्रिटिकल स्क्रूटिनी? नहीं, बिकॉज ऑल रिलीजियंस आर एंटी वुमेन, एंटी ह्यूमन राइट्स, एंड ऑल रिलीजियंस प्रिस्क्राइब काइंड ऑफ वायलेंस. बट वो क्रिटिकल स्क्रूटिनी होना चाहिए, वो बंद करने के लिए क्रिटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है रिलीजन को. बाद में ही तो आपको स्टेट एंड रिलीजन अलग हो जाएगा, यू नो, देन यू नो साइंटिफिक एजुकेशन और ये सोसाइटी सेकुलराइज हो जाएगा, स्टेट सेकुलराइज हो जाएगा. यू नो राजा राममोहन राय एंड विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन बंगाल, दे वर रिफॉर्मर्स, दे वर नाउ कंसिडर्ड ग्रेट पीपल. The whoever reformed Christianity and Judaism, they were considered great people. But whoever tried to reform Islam, they are called homophobe, they are called hater, they are called, you know, all kinds of names. इसमें जो राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा फ्रांस के, उन्होंने कहा तरीके से क्राइसिस में है आज. आप सहमत हैं इससे? Yeah, it is true. They can, you know, kill people in the name of religion, and they utter Allahu Akbar. Allahu Akbar is Allah is great. But they, जब they slaughter कर रहे हैं, उसी time वो चिल्लाता है Allahu Akbar. यहाँ ये तो आप agree कर रही हैं ना कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं. सारे मुस्लिम तो एक जैसे नहीं. देखिए, मैं तो मुस्लिम community से आया, मैं तो एक free thinker हुआ. इधर ऐसे फ्री थिंकर बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बहुत लोग है वायलेंस मानता नहीं है. हाँ, बट कोई वायलेंस करता है इन द नेम ऑफ इस्लाम, वो ना इतना जोर से उसको प्रोटेस्ट नहीं करता है. ये मुश्किल है. इफ मॉडरेट मुस्लिम प्रोटेस्ट करता है, जे तुम वायलेंस पसंद नहीं करता है, वो तुम जिहादी को अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता है? तो मुस्लिम एक साइलेंट मेजोरिटी इज बहुत बिग प्रॉब्लम है. तब मुस्लिम अटैक हुआ तो तुम प्रोटेस्ट करता है. जब मुस्लिम निरीह लोग को मारता है, तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता है? तो आप ये बोल रहे हैं कि जो चूंकि जिहादी मुस्लिम इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं, इसलिए जो मॉडरेट मुस्लिम है उनकी भी एक तरीके से परीक्षा है, क्योंकि बार बार उनको आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनको उन्हीं के साथ माना जाएगा. वो घर में आराम से बैठ नहीं सकते. पड़ेगा, क्योंकि जे अदरवाइज इट लुक्स लाइक दैट एवरीबॉडी इज सिंपथाइजर ऑफ जिहादीज. ऐसे तो वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. अब जब भी कोई जिहादिस्ट अटैक करता है, लोग मारता है इधर उधर, तब सब मुस्लिम को, सेन मुस्लिम को, इनसेन मुस्लिम को अगेंस्ट बोलना पड़ेगा. अदरवाइज दे वुड बी ट्रीटेड लाइक यू नो जिहादिस्ट सिंपथाइजर, और काइंड ऑफ बाद में जिहादी होगा ऐसे. पर ये जो बात है, ये इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जहां फ्रांस है वहीं बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, चाहे वो
एर्डोगन हो जो हल्ला कर रहे हैं बार बार, और जिन्होंने बॉयकॉट फ्रांस की बात की, हम जान रहे हैं कि मलेशिया में महाथिर हैं वो उसके खिलाफ बोले, हम पाकिस्तान के इमरान खान की भी आवाज सुन रहे हैं, मतलब बहुत सारे नेता लोग इस सिचुएशन का अपने हिसाब से फायदा भी उठा रहे हैं। ये बहुत रॉन्ग है, दे फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो लोग ऐसा करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, वो उनका सपोर्ट के लिए ऐसे करता है, क्योंकि एक्चुअली दे मुस्लिम कंट्रीज लीडर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिहादी एक्टिविटीज को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भविष्य, इस्लाम का भविष्य बहुत खराब है, क्योंकि बहुत लोग ना एनकरेज फील करता है जिहादी होने के लिए। तो ये लीडर्स जब जाता है ना अगेंस्ट ए सेकुलर कंट्रीज, यू नो वेयर पीपल आर गेटिंग किल्ड इन द नेम ऑफ यू नो इस्लाम, तो वो तो उसको तो पास रहना पड़ेगा। मैं इंडिया को अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस को साथ रहा, टेररिज्म को अगेंस्ट फाइट किया, ये बोल दिया। तो ऑल मुस्लिम कंट्रीज आल्सो शुड जॉइन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज, आई थिंक दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो फिर अगर आप देखें, एक तरफ से अभी आपने बताया कि सऊदी है, तुर्की के हम लोग एर्डोगन को जानते ही हैं, पाकिस्तान में इमरान है, महाथिर बैठे हुए हैं मलेशिया में, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कोई रास्ता निकल रहा है कि चीजें अभी और उलझेंगी और खराब होंगी अभी हालत? ये तो लीडर्स, मुस्लिम कंट्रीज लीडर इतना टेररिस्ट सिंपथाइजर होता है, देन ये तो अच्छा नहीं है, खराब होगा ना, खराब तो हुआ है। देखिए बांग्लादेश का बात आपको कर रही हूँ मैं जब 25 साल और 26 साल पहला बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को निकाल दिया, उसी टाइम इतना हिजाब, इतना बुरखा, इतना लोग यू नो इतना फैनाटिक्स नहीं था, ये 25 साल में इतना हो गया, ये ना बहुत शॉकिंग है, बहुत अलार्मिंग है, इतना सब लोग कैसे इतना रिलीजियस हो गया, क्योंकि इस्लामाइजेशन स्टार्टेड इन 80s, यू नो, एंड द गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग, यू नो। तो आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिजाब और बुर्का पिछले सालों में बढ़ा है? बहुत बड़ा, देखिए एक 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 चीज नहीं था, वाज महफिल हमारा टाइम में जब मैं छोटा थी, बट बड़ा भी थी, और 80s एंड 90s में कल्चरल फंक्शन था एवरीवेयर, मोहल्ला मोहल्ला में कल्चरल फंक्शन होता था, नाचा गाना, हाँ, रिसाइटेशन ऑफ पोएट्री ऐसे था, बट वो सब चला गया। अभी वाज होता है, रिलीजियस लीडर्स आता है, वो बयान करता है कुरान हदीस का, वो बहुत जिहादी बात करता है, वो यंग लोग जाता है उधर, वो तो पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, वो बहुत एंटी वुमेन बात करता है, जिहादी होने के लिए इंस्पायर करता है लोग को, नॉन मुस्लिम और नॉन बिलीवर्स को मारने के लिए, मार डालने के लिए इंस्पायर करता है, और वो गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट वो बंद नहीं करता है। एक तरफ फ्रांस का ये स्टैंड है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि बांग्लादेश और दूसरे देशों में ये जो कट्टरवाद है वो बढ़ रहा है, फिर तो टकराव होगा आगे, रास्ता कहां से निकलेगा? रास्ता तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा, क्रिटिकल। आज जब देखिए, मैं नॉट ओनली इस्लाम को बारे में, मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है तो नहीं है, मैं सब धर्म को ही क्रिटिसाइज कर रहा है, जिधरी मैं एंटी वुमेन एस्पेक्ट्स देखती है, जिधरी वायलेंस का बारे में बात होता है रिलीजन में, मैं क्रिटिसाइज करती है। फाइनली आपको क्या लगता है कि आप अगर फ्यूचर के बारे में सोचती हैं तो आप होपफुल हैं, उम्मीद है आपको, आशा है कि आपको लगता है कि नहीं पूरा बहुत मुश्किल है आगे?
ना, मेरा तो आशा ही है, हमारा जैसा लोग है बहुत, वो आज तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बट मेरा लगता है इतना टेररिज्म होता है चारदिक, इतना लोग फैनाटिक्स हो जाता है, तो इस्लामिक कंट्रीज बदल जाएगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो सोसाइटी का सुविधा के लिए तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा ना, रिफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा. उसी टाइम आई थिंक आई होप दैट यू नो इन ड्यूरिंग मिडिल एजेस क्रिश्चियनिटी तो बहुत खराब था, बहुत खराब अवस्था था. अभी देखो सबसे सिविलाइज्ड कंट्री हो गया, सबसे मॉडर्न कंट्री हो गया. इस्लामिक कंट्री भी इन फ्यूचर ऐसे मॉडर्न, ऐसा 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 सिविलाइज्ड कंट्री हो जाएगा. नसीन, आपने हिंदी में बात की, आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी, खूब समझ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद.